वेलकम टू रन बीटीएस। चिमन का गला खराब है आज, तो आज हम कहाँ हैं? ओ यहाँ हर तरफ फूल है, लगता है हम आज फूलों की दुकान पे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि आज आर्मी हमारे और इन फूलों के बीच में फर्क नहीं मालूम कर पाएगी। तो आज हम सभी क्या करने वाले हैं? आज के एपिसोड की थीम है फूलों वाला। ओ फूलों वाला, आज BTS फूलों वाले बनेंगे। वे फूलों के महीनों के बारे में बात करेंगे और वे फूलों से डिफरेंट पीसेस बनाएंगे। हमने आज तक सिर्फ फूल खरीदे हैं, पर खुद से ऐसा कुछ नहीं बनाया। हाँ, मुझे पौधे पसंद है। मैंने पहले एक पौधा उगाया भी था। अभी जब छोटा था तो मैं अपनी मम्मी को देखता था पौधों की देखरेख करते हुए। मैं तो खुद ही एक फूल हूँ। फिर तो जिन को भी पानी में उगा देते हैं। जिन, क्या तुम पानी में जाना चाहते हो? आज आप फूलों से कुछ पीस बनाना सीखेंगे और अपने खुद से बनाएंगे, और आपको ये सब सिखाने के लिए आज आपके साथ टीचर भी होंगे। तो आ गए हमारे टीचर। हेलो टीचर। हेलो। ओह, हमारे टीचर तो बहुत हैंडसम है। हमारे टीचर का फेस भी फूलों की तरह है। हाँ, सही कहा तुमने। अभी हमें हमारी फ्लावर क्लास शुरू करनी चाहिए। हाँ सही कहा। तो क्या आप सभी जानते हैं बर्थ फ्लावर के बारे में? हाँ मैं जानता हूँ, मेरा बर्थ फ्लावर है वो क्लेमाटिस। चंकुक, तुम्हारा टाइगर फ्लावर है ना? हाँ। मुझे तो पता भी नहीं मेरा बर्थ फ्लावर कौन सा है। तो चलिए फिर जिन से शुरू करते हैं और सभी के बर्थ फ्लावर के बारे में जानते हैं। मेरा बर्थडे 4 दिसंबर को आता है। 4 सितंबर का मतलब? ओह, कोई इतना कैसे याद रख सकता है? टीचर कितना तेज सोच रहे हैं। टीचर ऐसे सोच रहे हैं, पहले वालों का पता चल गया होगा इन्हें। चलो उस तरफ से वी से शुरू करते हैं। मेरी बर्थ डेट है 30 दिसंबर। वी का बर्थ फ्लावर है विंटर स्वीट। ओह विंटर स्वीट, तो इस फ्लावर का मतलब क्या है? इस फ्लावर का मतलब है प्यार। ओह प्यार। चलो आरम, अब तुम बताओ। हाँ, मेरी बर्थ डेट 12 सितंबर है। तो तुम्हारा बर्थ फ्लावर है क्लेमासिस। हाँ ये रहा सामने, मैंने इसे पहली बार देखा है। ओह यही है ना? जय होप, संभाल कर लेना। वाओ कितना प्यारा फूल है। आरम, तुम्हें इस फूल पर एक गाना बनाना चाहिए। टीचर क्लेमासिस का क्या मतलब होता है? देखो इस पर लिखा है, इसका मतलब है अंदर की सुंदरता और महान दिल। ओह ये आरम के लिए परफेक्ट है, आरम का दिल सच में बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी बर्थ डेट है 1 सितंबर। मेरा बर्थ फ्लावर टाइगर है ना? हाँ सही कहा। टीचर टाइगर फ्लावर वही है ना? यही वाला ना? ओह इस पर तो सच में शेर जैसी धारियाँ बनी है। इन फूलों का यही मतलब है ना कि मुझे प्यार करो? हाँ सही कहा। ओह क्या, मुझे प्यार करो? प्लीज चंकुक के लिए प्यार दिखाइए। हाँ उसे प्यार की जरूरत है। आई लव यू चंकुक। हाँ हाँ ठीक है। जिमिन अपनी डेट बताओ। हाँ मेरी डेट है 13 सितंबर। जिमिन का है दुल्हन की माला के फूल। क्या? अरे अरे तुम चुप रहो, ऐसे हंसोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ पर इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है साफ प्यार। ओह जिमिन बड़ा साफ है। जिमिन के बाल तो देखो कितने साफ है। क्या ये फूल लंबे समय तक रहते हैं? नहीं, ये फूल बसंत का मौसम आने पर गिर जाते हैं। ये फूल सबसे ज्यादा गिरते हैं, ये आपको सड़क पर गिरे हुए भी मिल जाएंगे। अरे तुम फिर से क्यों हंस रहे हो? मैं तो सिर्फ टीचर की बातें सुन रहा था। अच्छा फिर जिमिन का फ्लावर तो बहुत कॉमन है। चलिए तो अभी मेरी बारी। मेरी बर्थ डेट है 18 फरवरी। तुम्हारा बर्थ फ्लावर है बटर कप। ओह बटर कप, ये फ्लावर तो जेहोप के लिए परफेक्ट है। हाँ पर इस फ्लावर का मतलब क्या है? इस फ्लावर का मतलब है इनोसेंट सोल। ओह मासूम, ये तो परफेक्ट है, जेहोप भी मासूम है। तो चलिए अब शुगा की बारी। मेरी बर्थ डेट है 9 मार्च। शुगा का बर्थ फ्लावर है लाज, ये एक बड़ा पेड़ होता है। तुम्हारा ऐसा एक गाना भी है ना? हाँ ऐसे ही है। चलिए अब मेरी बारी। मेरी बर्थ डेट है 4 दिसंबर। जिनका बर्थ फ्लावर है सुयोंग। ओह जिन, क्या तुम अच्छे स्विमर हो? हाँ बड़े कंधों वाला स्विमर। जिनके फ्लावर का मतलब है स्विमर। हाँ ऐसे तुम लोग भी ना, ये क्या मतलब हुआ स्विमर? हाँ तभी तो जिनके कंधे चौड़े हैं। टीचर आप बताइए इस फ्लावर का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यार। ओह इसका मतलब जिनको भी प्यार की जरूरत है। मुझ में प्यार ही प्यार है, मैं आप सभी के साथ कितने प्यार से रहता हूँ। हाँ पर तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं? मुझे ज्यादा अटेंशन मत दिया करो। जिनकी नाक भी रेड हो गई है। क्योंकि हम सभी जिनको देख रहे हैं इसलिए। सही कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमें क्या करना है? तो आप ये बताइए, आप आज इन फूलों से क्या बनाना चाहेंगे? ओह पर हमने तो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया। सर आप बताइए बनाने में सबसे आसान क्या होगा? तो आज आप सभी अपने लिए ब्रॉच बनाएंगे। ओह क्या आप हमें बता सकते हैं इसे कैसे बनाना है? हाँ मैं आपको दिखाऊंगा इसे कैसे बनाना है। पहले आपको इन फूलों पर लगी एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाना है। हाँ हमें पहले इन पत्तियों को हटाना होगा।
और फिर इन फूलों को एक साथ बांध देना है। मैं शर्त लगा सकता हूँ ये जितना दिखने में आसान है उतना होगा नहीं। सर आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? मैं ये काम 5 साल से कर रहा हूँ। देखो इन्होंने तो ब्रश बना भी दिया। वाओ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसे हम सिर्फ एक दिन के लिए ही यूज कर सकते हैं ना? हाँ क्योंकि ये असली फूलों से बना है तो इसे हम सिर्फ एक दिन के लिए ही यूज कर सकते हैं। चलो हम भी इसे बनाना शुरू करते हैं। हाँ और आज तो हमने इसके लिए प्रैक्टिस भी नहीं की। हाँ चलो जल्दी बनाना शुरू करते हैं। ये फूल कैसा रहेगा? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा है। इस फूल की स्मेल तो बहुत अच्छी है। ओह ये क्या है? ये तो मोर का पंख है। हम इन्हें काट सकते हैं ना? ऐसा लग रहा है जैसे जिन ने अपने ब्रश पे मिर्ची लगा रखी है। अभी हमें क्या करना है? अभी हम इसे साथ में बांध सकते हैं ना? जिन आपको इस पे लगे एक्स्ट्रा पत्तियों को हटाना होगा। हाँ ठीक है। क्या मैं इन सभी को एक साथ काट सकता हूँ? हाँ और आप इसे एक एक करके भी काट सकते हैं। अरे मैंने तो इसे कुछ ज्यादा ही छोटा काट दिया। देखो क्या ये बहुत ज्यादा होगा? हाँ ये थोड़ा भारी होगा पर क्या तुम्हें पसंद है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने ही बनाया और तुम्हें ही पसंद नहीं आया? इसमें जो सफेद फूल है उसे बाहर निकाल दो। क्या मैंने इसमें बहुत सारे अलग अलग फूल ले लिए हैं? नहीं ये अच्छा लग रहा है। मुझे फैंसी डेकोरेशन ज्यादा अच्छी लगती है। बताओ कैसा लग रहा है? अजीब तो नहीं लग रहा ना? बताओ कैसा है? अच्छा लग रहा है। मेरा तो हो गया। ओह क्या बात है शुगा, मेरा भी हो गया। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तो लगा वो एक केला है। केला है क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा स्पेशल ब्रॉच है। ओह आयन तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ मेरा पूरा ध्यान इसे बनाने में ही था। ओह इस बड़े फूल में कुछ छोटे फूल भी हैं। हाँ मैंने इसे इस तरीके से ही बनाया है। ये ठीक है ना? हाँ ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये फूल तो मरा हुआ लग रहा है। हाँ ये टूट गया है। अभी इसके ठीक होने की कोई आशा नहीं है। नहीं इसे ऐसे ही रहने दो। ऐसा लग रहा है ये फूल बाकी फूल के सपोर्ट के लिए है। माफ करना अभी तो ये सपोर्ट भी चल बसा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वाओ देखो ये बहुत अच्छा है ना? हाँ ये तो काफी कूल लग रहा है। जिमिन इसे लगाना कैसे है? मेरा भी कंप्लीट हो गया। इसे सेफ रखने के लिए तो तुम्हें मैग्नेट यूज करना होगा। इसे बनाने में तो बहुत कचरा फैल गया है। देखो टीचर की टेबल तो कितनी साफ है। मेरी और जिन की टेबल भी साफ है। मैंने तो सिर्फ वही फूल लिए थे जिसे मुझे यूज करना था। हाँ पर तुमने तो इन्हें बिना काटे ही यूज कर लिया। क्या हुआ? ठीक ही है इतना बुरा भी नहीं है पर मुझे लगता है वो पहले वाला फैंसी ज्यादा अच्छा लग रहा था। देखो मेरा वाला कैसा है? तुम तो सब्जियों की दुकान के मालिक लग रहे हो। सही कहा ना, ऐसा लग रहा है मिर्ची और भुट्टा लगाया है। तो क्या ये मिर्च नहीं है? ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? मुझे तो ये गाजर लग रही है। क्या ये ककड़ी नहीं है? चलो सभी अपने अपने ब्रश दिखाओ। वी से शुरू करते हैं। वी का फूल तो अंदर छुप गया है, लगता है ये शर्मीला है। कोई बात नहीं बाहर आ जाओ। देखो शर्माओ मत बाहर आ जाओ, यहाँ पे सभी अच्छे लोग हैं। तो ये फूल है। अरे वैसे क्या नाम था इसका? लेजियन थस। हाँ तो इसका नाम है लेजियन शिशु। क्या रशियन शर्ट? मुझे लगा मैंने रशियन शर्ट सुना। तो मैंने इस फूल को इसमें मेन फूल की तरह यूज किया है। तुमने काफी अच्छे से बनाया है। वैसे आर्यन ने भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं चाहता था कि इसमें सारे ही फूल मेन दिखे इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है। वैसे तुमने इसे बनाया कैसे है? मैंने इसमें छोटे फूल को बीच में रखा है। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना? चलो जंकू कब तुम्हारी बारी। मैंने सिर्फ उन फूलों को उठाया जो मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगे। हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं चाहता था कि मेन फूल अकेला हो, मैंने सोचा इसे भी प्यार की जरूरत होगी, इसलिए मैंने इसके पास एक और फूल डाल दिया। ओह क्या बात है। जिमिन अब तुम्हारी बारी, आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा ब्रॉच? ये तो फूलों के गुलदस्ते की तरह लग रहा है। मैंने इसे बनाने के बाद में भी कुछ फूल लगाए हैं। रेड रोज का मतलब प्यार ही होता है ना? हाँ इसका मतलब होता है चमकता हुआ प्यार। ओह क्या बात है। चलो जो होप अपने ब्रॉच के बारे में बताओ। तो मैंने भी उन्हीं फूलों को यूज किया जो मुझे दिखने में सबसे अच्छे लगे। मैंने इसमें ये पर्पल फूल यूज किया है। इसमें ये लाल रंग का कौन सा फूल है?
हाँ, इस लाल फूल का क्या नाम है? इसे हाइपेरिकम कहा जाता है। अभी ये फूल लाल है, पर जब ये पूरी तरह से खिलेगा तो ये पीला हो जाएगा। तो क्या ये भी फूल है? हाँ। ओ, क्या सच में? मेरा फूल बहुत ही जल्दी खिलने वाला है, इसका नाम फ्यूचर रख देते हैं। हाँ, सही कहा, पर्पल फ्यूचर सही रहेगा। हाँ, आई पर्पल यू। नेक्स्ट है शुगा। मैंने इसका नाम रखा है नजदीक क्या है। ओ, तो तुमने नजदीक के फूलों को यूज किया है। हाँ, मैंने उन फूलों को यूज किया जो मेरे पास में थे, मैं बहुत दूर नहीं जा सकता। ये ठीक है ना? हाँ, ये बहुत सुंदर है। अभी तुम बताओ। हाँ, इसका नाम तो किसान होना चाहिए या फिर सब्जी बेचने वाला। जैसा कि तुम देख रहे हो, इसमें लगा ये मैग्नेट भी इसे ऊपर की तरफ पकड़ के नहीं रख पा रहा है, तो जिन ने इसके ऊपर टेप लगा दी। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तो कम से कम 100 ग्राम का होगा। तो तुमने इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है अपना सर नीचे रखो। ओ, इसके लिए इसका सर नीचे है। तो हम सभी अपने अपने ब्रांच बना चुके हैं, तो क्या ये गेम की असली शुरुआत नहीं थी? हाँ, ये तो सिर्फ छोटी सी शुरुआत थी। ओ, तो अभी आगे हम क्या करने वाले हैं? I love you.